हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारी मेन क्लोज फ्यूचर में होती है तो सबोर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी, मतलब कहने का है तो उसके साथ में विल सेल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें केवल हम फ्यूचर का नहीं पढ़ेंगे, हम उसमें पास्ट का भी पढ़ेंगे कि मेन क्लोज अगर हमारी पास्ट में होती है तो सबोर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है कौन से टेंस में होती है, और हम प्रेजेंट का भी पढ़ेंगे कि अगर हमारी मेन क्लोज प्रेजेंट में होती है तो जो हमारी सबोर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो कौन से फॉर्मेट में होती है। इससे पहले हम जानने से पहले पहले ये तो जान लें कि ये क्लोज होती क्या है, क्या क्लोज होती क्या है। ठीक है, अब क्लोज क्या होती है हमारी, ये होती है ग्रुप ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसके साथ में क्या होता है, जिसका अपना मेन वर्ब होती है, क्या होता है, जिसका अपना मेन वर्ब होता है और उसका अपना सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसका एक क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, अपना मेन वर्ब होता है। ये बात समझ में आई, क्लोज क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है पूरे वर्डों का। ठीक है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना जो वर्ब होती है। बात समझ में आई, जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग, ठीक है, मैंने बोला ही इज प्लेइंग, ठीक है, और लिख देता हूं एंड एंड ही इज डांसिंग, ये लिख दिया मैंने। तो क्या लिखा मैंने, ही इज प्लेइंग एंड ही इज डांसिंग। ठीक है, अलग अलग लिखा, सी लिख देता हूं यहां पे, सी इज डांसिंग। ठीक है, अब मैं मेरी बात बताओ, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, इस क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लेइंग क्या होगा ये मेन वर्ब होगा, ये एंड क्या है इसे अभी रोक दीजिए, ये क्या है सी हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये क्या हुआ हमारा मेन वर्ब हुआ। तो हमने क्या बोला कि भैया क्लोज क्या होती है, जो सब्जेक्ट होता है और उसका मेन वर्ब होती है। देखिए सब्जेक्ट हुई और मेन वर्ब हुई, तो मतलब कहने का एक क्लोज तो ये होगी, इसे बोल दिया हमने क्लोज वन बोल दिया। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, तो ये कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी क्लोज टू होगी। ठीक है, ये हमने अपने पहले ही लेक्चरों में करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जरूरत है इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, किसमें, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दो क्लोज को जोड़ने के लिए, क्लोज कौन सी होती है जिसका अपना मेन वर्ब होता है और अपना सब्जेक्ट होता है, क्या होता है अपनी मेन वर्ब और अपना सब्जेक्ट होता है वो क्लोज होती है, तो क्लोज वन और क्लोज टू ही। ठीक है, हमने क्या बोला, दो क्लोज को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने बोला, मान लीजिए कि जैसे आप शादी होती है, ठीक है, लड़का लड़की की शादी होती है, तो उनकी शादी करवाने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती है, या फिर जो आपके क्या होते हैं मीडिएटर होते हैं जो शादी करवाते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ऐसी कंजंक्शन का काम होता है, किसका काम होता है, कंजंक्शन का काम होता है कि जब दो क्लोजों को जोड़ना होता है, किसको, दो क्लोजों को जोड़ना होता है तो बीच में आती है क्या हमारी कंजंक्शन आती है, क्या आती है बीच में कंजंक्शन आती है। कंजंक्शन क्या करती है, ये दो क्लोजों को जोड़ती है। ठीक है, केवल इसका यही काम नहीं होता, ये दो क्लोजों को ही नहीं जोड़ती, इसके बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से एक ही काम है। ठीक है, ये क्या करती है, दो हमारे नाउन को जोड़ती है, किसकी जोड़ती है, दो नाउन को जोड़ती है। ठीक है, हमने बोल दिया बीच में क्या ला दिया हमने, कंजंक्शन लगा दी, तो नाउन और नाउन को जोड़ती है, जैसे मतलब राम एंड श्याम, बात समझ में आई नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बोला, दो क्लोज को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, दो क्लोज को जोड़ती है, यहां हमने लिख दिया क्लोज के में कंजंक्शन लिख दी, ये भी लिख दिया क्लोज टू। ठीक है, बात समझ में आई, तो ये क्या हुआ, एक तो हमारी किसको जोड़ती है, नाउन को जोड़ती है। ठीक है, और किसको जोड़ती है, दो क्लोज को जोड़ती है। ठीक है, और क्या करती है, ये हमारे वर्ब को भी जोड़ सकती है, वर्ब को, जैसे मैं बोलूं ही इज प्लेइंग एंड डांसिंग। ठीक है, बात समझ में, ही इज प्लेइंग एंड डांसिंग, तो ये दो वर्बों को भी जोड़ रही है। ठीक है, दो क्लोज के साथ में दो वर्ब को भी जोड़ सकती है। तो कंजंक्शन क्या काम करती है, एक तरह से जोड़ने का काम करती है, क्या करती है, जोड़ने का। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम क्लोज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्लोज को जोड़ने का काम। अब एक चीज और देख लीजिए, क्या देख लीजिए, ये याद रखना, जो हमारी पहली वाली वो क्लोज होती है उसे बोलते हैं सबोर्डिनेट क्लोज। पहली वाली का मतलब ये नहीं कि भैया ये पहली वाली है, ठीक है, पहली वाली का मतलब ये कि जिसके पहले हमारा क्या नहीं चालू हो रहा हो, जिसके पहले हमारी कंजंक्शन लग रही हो, जो जिसके पहले कंजंक्शन लग रही होती है वो हमारी दूसरी वाली क्लोज होती है। पहली वाली क्लोज कौन सी होती है, जिसमें कंजंक्शन लग रही हो, जिसके आगे अगर कंजंक्शन लग रही होती तो वह पहली वाली क्लोज होती है। कितनी वाली क्लोज होती है, पहली वाली, तो उस क्लोज को बोलते हैं मेन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मेन क्लोज बोलते हैं। क्या बोला हमने उसे, मेन क्लोज बोलते हैं उसे। बात समझ में आई, मेन क्लोज कौन सी होती है, जो जिसके आगे कंजंक्शन लग रहा है, जैसे इसके आगे कंजंक्शन लग रहा है तो ये मेन क्लोज नहीं है, इसके आगे कंजंक्शन लग रहा है नहीं लग रहा तो ये क्या होगी, हमारी मेन क्लोज होगी। ये बात समझ में आई, जैसे हमने बोला कि दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमारा कंजंक्शन काम करता है, जैसे ये हमारी दो क्लोज है तो एक कंजंक्शन होगी। मान लीजिए एक और क्लोज होती, क्या होती, एक और क्लोज होती, ये क्लोज वन है, ठीक है, ये क्या है हमारी क्लोज टू है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका काम होएगा, एक यहाँ पे काम होएगा कंजंक्शन का, किसका काम होगा, यहाँ कंजंक्शन का होगा। मान लीजिए अब तीसरी क्लोज और आ गई, क्या आ गई हमारी,
तीसरी क्लोज आ गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब इन दो को जोड़ने के लिए एक और कंजंक्शन की जरूरत होगी, तो क्या बोलेंगे हम, ये भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है। तो कहने का अगर दो क्लोजों को जोड़ना है तो कितनी कंजंक्शन की जरूरत है, एक की। अगर वहीं पे हमें तीन क्लोजों को जोड़ना है तो कितनी कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, दो की। तो कहने का एक कम कर देंगे। अगर हमें पांच क्लोजों को जोड़ना है तो चार कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर तीन क्लोजों को जोड़ना है तो दो कंजंक्शन की, मतलब एक कम कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने बोला दो को जोड़ा एक, अगर हमने तीन को जोड़ा तो दो, एक एक कम कर देंगे। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अब हमने बोला यहां पे ये तो हमारा हो गया, मेन क्लोज भी होगी। अब मेन क्लोज क्या पढ़ाई थी हमने, कि जिस क्लोज के साथ में हमारा कंजंक्शन नहीं आ रहा होगा वो हमारी मेन क्लोज होगी, तो उसको मेन क्लोज भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज। क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज का मतलब जो मेन होती है, क्या होती है, जो मेन होती है वो हमारी क्या होगी, इसे या मेन क्लोज बोल लो या प्रिंसिपल क्लोज बोल लो। कौन सी मेन, जिसके साथ में हमारा कंजंक्शन नहीं आते, मतलब जो अकेली आती है। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो हमारी कंजंक्शन है ये कितने प्रकार की होती है, तो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो कंजंक्शन होती है हमारी वो कितने प्रकार की होती है, हमने बोला कंजंक्शन जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हमारी, एक तो कंजंक्शन होती है हमारी कौन सी, कोऑर्डिनेट। कौन सी होती है हमारी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। ये हमने पहले अपने लेक्चरों में करवा रखा है, ठीक है। यहां केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां जरूरत है, ठीक है। कंजंक्शन क्या होती है, एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, दूसरी क्या होती है हमारी, दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी होती है हमारी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है, हमने बोला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की एक सिंपल सी ट्रिक याद करना, क्या होती है, फैन बॉयज होती है। क्या होती है, FAN फैन, और क्या होगा, BOYS, क्या होगा, बॉयज, ठीक है। FAN फैन, BOYS बॉयज, ठीक है। F से क्या होता है हमारा, F से होता है हमारा फोर, ठीक है। A से क्या होता है, A से होता है हमारा एंड, ठीक है। N से क्या होता है, N से होता है हमारा नोर, ठीक है। B से क्या होता है, B से होता है हमारा बट। O से क्या होता है, O से होता है हमारा और। Y से क्या होता है, Y से होता है येट। और ऐसे क्या होता है हमारा, सो होता है। हमने बोला कंजंक्शन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन सी, एक तो होती है कोऑर्डिनेट, एक होती है हमारी सबऑर्डिनेट। अब जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसकी सिंपल सी ट्रिक है क्या, फैन बॉयज, FAN फैन, BOYS बॉयज, ठीक है। मतलब फैन है बॉयज, ठीक है। फैन से क्या होता है, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो होती है, ठीक है। हमने बोला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है, तो जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, इनको छोड़ के, कितनी होती है, तीन चार सात, इनका सात कंजंक्शन जोड़ के जितनी भी कंजंक्शन होंगी वो सारी किस्में आएगी, वो सारी आएंगी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। क्या बोला मैंने, कंजंक्शन हमारी दो प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। जितनी भी कंजंक्शन हमारी कोऑर्डिनेट में आती है वो होती है फैन बॉयज, ठीक है। फैन बॉयज कितनी होती है, सात होती है, फोर एंड नोर बट और येट सो, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ये सात कंजंक्शन है इसको छोड़ के जितनी भी कंजंक्शन होगी वो सारी किस्में आएगी, सबऑर्डिनेट में आएंगी। जैसे कौन सी आ सकती है, जैसे हमने यहां पे कोई यूज कर रखा है व्हेन, ठीक है। क्या यूज कर लिया हमने, व्हेन। क्या यूज कर लिया हमने, व्हाइल। मतलब जो इसमें नहीं होंगी उसके बाद में जितनी भी होंगी वो सारी उसमें आएंगी, ठीक है। हमने क्या लिखा, एज सून एज, ठीक है। हमने लिखा आफ्टर, बिफोर, ठीक है। जितनी भी कंजंक्शन है सारी इसमें ईटीसी लिख देता हूं, मतलब कहने का ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इन सातों को छोड़ के जितनी भी कंजंक्शन होगी सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई, तो हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ लिया। कंजंक्शन हमारी दो प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फैन बॉयज होते हैं। क्या होती है, मेरे साथ बोलो, फैन बॉयज। फोर, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। बात समझे। और सबऑर्डिनेट क्या होती है, इन फोर जो फैन बॉयज है इन्हें छोड़ के जितनी भी होती है वो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। तो हमारा इसमें यूज क्या है, यहां क्या मतलब हो रहा है कि भैया इनका यूज क्या है, ये कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट पढ़ क्यों रहे हैं हम, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ कर लेता हूं। हमने अभी बताया था क्या, जैसे हमने बोला ये क्लोज वन है, ठीक है। क्या है ये, क्लोज वन है। और फिर क्या आ गया हमारा, कंजंक्शन आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या आ गया, क्लोज टू आ गया, है ना। क्लोज वन मतलब मेन वर्ब और उसका अपना सब्जेक्ट, यहाँ क्लोज टू का मतलब मेन वर्ब और उसका अपना सब्जेक्ट, ठीक है। और इन दोनों को कौन जोड़ रही है, इन दोनों को जोड़ रही है कंजंक्शन। अगर मैं बोलूं इसमें मेन क्लोज कौन से, कौन सी, मेन क्लोज, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेन क्लोज है या मेन क्लोज है ये, ठीक है। हम बोलेंगे जिसके साथ में कंजंक्शन नहीं आ रहा, कंजंक्शन इसके साथ में आ रहा है, ठीक है। इससे पहले आ रहा है मतलब, ठीक है, जिससे पहले कंजंक्शन आ रहा होता है वो मेन क्लोज नहीं होती, ठीक है। तो हमारी मेन क्लोज कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई मेन क्लोज। कौन सी मेन क्लोज हो गई, ये हमारी मेन क्लोज हो गई, ठीक है। फिर हमने बोला ये कौन सी क्लोज है, अगर ये मेन क्लोज होगी तो ये कौन सी क्लोज है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके होते हैं, क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, हमने दो तरीके बता दिए कौन कौन से, ठीक है। अगर कंजंक्शन हमारी कोऑर्डिनेट होगी, कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है।
यहां मैंने लिखा मेन क्लोज तो होगी अगर कंजंक्शन हमारी कोऑर्डिनेट होगी। कौन सी होगी हमारी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि दो प्रकार की कंजंक्शन की हमारी, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी तो इस क्लोज को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लोज, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लोज भी क्या होगी हमारी? कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। क्या होगी हमारी? कोऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। हमने क्या बोला? अगर हमारी दो क्लोज है तो उनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का यूज होता है। पहली वाली कंजंक्शन मतलब पहली वाली नहीं, मतलब ये इधर भी आ सकता है कंजंक्शन, फिर हमारा जो क्लोज आएगा, हमने बोला जिस क्लोज के साथ में, जिस क्लोज से पहले कंजंक्शन होगी तो वो तो कम से कम मेन क्लोज नहीं होगी। तो मेन क्लोज कौन सी होगी हमारी? ये वाली होगी, ठीक है। ये मेन क्लोज होगी तो कंजंक्शन हमारी कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके बाद में जो आएगा हमारा जो क्लोज आएगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो कोऑर्डिनेट क्लोज, बात समझ में आई। फिर अब दूसरा तरीका क्या है हमारा? मेन क्लोज फिर से आ गई। हमने बोला अगर ये मेन क्लोज ये होती, लेकिन अभी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह क्या होती है हमारी? होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी होती है हमारी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती। तो हमारा ये क्लोज कौन सा होता है? जो सेकंड वाला था। तो हमने बोला ये जो सेकंड वाला क्लोज होता अगर कोऑर्डिनेट थी तो कोऑर्डिनेट क्लोज हुआ, और अगर सबऑर्डिनेट है तो हमारा कौन सा क्लोज होएगा? हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होएगा, ठीक है। कौन सा क्लोज होएगा हमारा? सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ये हम यहां पर क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें यहां पे क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हम यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने बोला अगर हमारी जो मेन क्लोज होगी फ्यूचर में आ रही होगी, मतलब उसके साथ में विल सेल आ रहा होगा ना, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, ये वाली, ऊपर वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग रही होगी जिसके साथ में। क्या लग रही होगी? जिसके साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग रही होगी, ठीक है। हमने बोला जो मेन वर्ब मेन क्लोज होगी वो अगर फ्यूचर में होगी, मतलब जिसके साथ में विल सेल लग रहा होगा, अगर उसके साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी उसके साथ में विल सेल नहीं लग रहा होगा। क्या नहीं लग रहा होगा? विल सेल नहीं लग रहा होगा। लेकिन फिर है क्या अंतर? फिर उस विल सेल नहीं लग रहा होगा तो क्या लग रहा होगा? हमने बोला कुछ नहीं लग रहा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी। किसमें यूज होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें यूज होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक बार मैं इसे फिर से रफ कर देता हूं इस चीज को और फिर बताता हूं। ठीक है, फिर से देखिए, हमने बोला यदि हमारी मेन क्लोज है, क्या है हमारी? मेन क्लोज है, ठीक है। और ये क्या आ रही है हमारी? ये आ रही है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी आ रही है हमारी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रही है। और उसके बाद में क्या आ रही है हमारी? सबऑर्डिनेट क्लोज आ रही है। कौन सी क्लोज आ रही है? सबऑर्डिनेट क्लोज आ रही है। और हमने बोला ये मेन क्लोज जो है हमारी इसके साथ में लग रहा है विल सेल, मतलब एक तरह से फ्यूचर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है हमारा? विल सेल लगा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है। तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी उसमें विल सेल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा उसमें? विल सेल नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब उसे विल सेल नहीं आएगा तो क्या ये फ्यूचर नहीं हो रहा होगा? मैंने बोला फ्यूचर तो हो रहा होगा, लेकिन यहां पर जो फ्यूचर दिखाएगा वो दिखाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे दिखाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। क्या हमने इससे पहले कभी पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर दिखा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल पढ़ा हुआ है। हमने इससे पिछले वाले लेक्चरों में क्या पढ़ा था कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों से ही हम क्या दिखा सकते हैं? फ्यूचर दिखा सकते हैं। तो यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर दिखा रहे हैं, लेकिन विल और सेल नहीं आ रहा, दिखा अभी भी ये फ्यूचर रहा है। बात समझ में आई? ये केवल किसके लिए है? ये केवल सबऑर्डिनेट के लिए है। क्या ये कोऑर्डिनेट के लिए भी है? ना, कोऑर्डिनेट के लिए नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या कहा हमने? हमने बोला कि भैया अगर यहां मेन क्लोज हमारी क्या होगी? विल सेल लग रहा होगा तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में विल सेल नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएंगे। लेकिन अगर वहां पे हमारा क्या है? मेन क्लोज है और क्या जुड़ रहा है हमारा? कोऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है? फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अगर ये कंजंक्शन है और अगर यहां पर विल सेल लग रहा है, क्या लग रहा है यहां पर? विल सेल लग रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी उसमें भी क्या लगेगा? विल सेल लगेगा। क्या लगेगा उसमें भी? विल सेल लगेगा। अभी यहां पे सही है, ठीक है। तो पूरा गेम किस चीज का है? ये कंजंक्शन का है। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसके मेन क्लोज में विल सेल लग रहा है तो सबऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी उसमें भी विल सेल लगेगा। लेकिन अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्या सी है? सबऑर्डिनेट क्लोज है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके पहले मेन क्लोज में अगर विल सेल लग रहा हो तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को देख के सबऑर्डिनेट क्लोज में हमारा विल सेल नहीं लगेगा। फ्यूचर तो दिखाएगा ये भी, लेकिन दिखाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। यहां तक बात समझ में आई? अब हम यहां पे कूद जाते हैं सीधा, ठीक है। अब पहले देखिए कि हमारी कौन से इसमें मेन वर्ब है, ठीक है। पहले से तोड़ लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल मॉडल होता तो हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। दे विल हेल्प होम, ये किसका रिप्लाई है? होम का रिप्लाई है। इससे पहले हमने ये सब तोड़ तोड़ के देखे हुए हैं अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। दे विल हेल्प होम, तो ये क्या आया? हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई, ठीक है। अब एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो ये हो गई। हमने बोला था ना दो मेन वर्ब होनी चाहिए दो क्लोज को जोड़ने के लिए
कंजंक्शन तो जब भी बीच में आती है कि दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होता है। कंजंक्शन कौन सी है यहाँ पर कंजंक्शन है वैन। अब मुझे बताओ वैन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है? क्या ये फैन बॉयज में आती है फॉर एंड और बट और येट्स जो? मैंने बोला इसमें तो नहीं आती है। तो ये कौन सी है हमारी? ये है हमारी सबऑर्डिनेट। कौन सी है हमारी भैया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके मेन वर्ब कहाँ है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब टू। तो अगर मैं पूरा मिटा दूं, इस पूरे को मिटा देता हूँ, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझता हूँ, ये मेन वर्ब वन हो गई, ये मेन वर्ब टू हो गई, इसका सब्जेक्ट ये हो गया सब्जेक्ट वन, इसका सब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट टू। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। हमने बोला अब मुझे बताओ इसमें कौन सी हमारी मेन क्लोज होगी और कौन सी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। क्या ये मेन क्लोज होगी या ये मेन क्लोज होगी? हमने बोला जिसके पहले हमारा क्या आता है? कंजंक्शन नहीं आता है, तो वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी मेन क्लोज। हमने क्या बोला? जिसके पहले हमारा कंजंक्शन नहीं आता, इसके पहले कंजंक्शन आ रहा है? नहीं। इसके पहले कंजंक्शन आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी मेन क्लोज होगी। हमने बोला ये कौन सी हमारी मेन क्लोज है, ठीक है। अब जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी पता चलेगी? ये सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट है, हमने बोला ये कंजंक्शन हमारी सबऑर्डिनेट है, तो क्लोज भी हमारी कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट होगी। कौन सी होगी हमारी? सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। यहां तक बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अब हमने बोला मेन क्लोज जो है हमारी विलिया सेल में, किसमें मेन क्लोज? विलिया सेल में, मतलब फ्यूचर दिखा रही है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमारी होगी तो फ्यूचर में ही, लेकिन विलिया सेल ने दिखाई कि हमने यहां से बता रखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? विल सेल काटेंगे, ठीक है, और यू के साथ में क्या लिख देंगे? मीट लिख देंगे, क्योंकि यू के साथ में मीट जो है इंडेफिनेट में ही आता, पर्याय इंडेफिनेट में। लेकिन ये क्या दिखा रहा है? अभी भी ये अभी भी फ्यूचर दिखा रहा है, लेकिन विलिया सेल ना रहा के। हमने बोला था ना पर्याय इंडेफिनेट और पर्याय कंटिन्यूअस भी हमारे फ्यूचर दिखाते हैं, तो ये दिखा तो अभी भी फीचर रहा है लेकिन विलिया सेल लग रहा। तो इसका मतलब क्या है? दे विल मीट यू, वे आपकी मदद करेंगे, मतलब फ्यूचर में करेंगे। व्हेन, तब, जब वो तुमसे मिलेंगे, ये भी फ्यूचर में ही है लेकिन विलिया सेल ना दिखा के पर्याय इंडेफिनिट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एक बार अगर हमारी मेन क्लोज में हमारी फ्यूचर आ जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी हमारा विलिया सेल नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर तो आएगा लेकिन विलिया सेल नहीं आएगा, वो पर्याय इंडेफिनिट दिखाएगा। बात समझ में आई? अब एक बार नीचे वाला देख लीजिए, ठीक है। नीचे वाला क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट, विल क्या है हमारा? अगर हम थोड़े ना पैसे ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, मेन वर्ब कौन सी हमारी? ये रही मेन वर्ब, ठीक है। और इसमें मेन वर्ब कहाँ है? ये रही हमारी मेन वर्ब। दो मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब ये रही, एक मेन वर्ब ये रही, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है मेन वर्ब का? ये रहा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट वन लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं? इसका है ये रहा हमारा सब्जेक्ट। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने बोला इन दो सब्जेक्ट मेन वर्ब को जोड़ने के लिए, इन दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए एक क्या होगा? एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी कंजंक्शन है। अब ये बताओ मेरी ये कंजंक्शन कौन सी है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है? हमने बोला फॉर एंड नॉर बट और येट सो में होती तो कोऑर्डिनेट होती, नहीं तो हमारी सबऑर्डिनेट होती। क्या ये उसमें है? फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है। तो ये बट है हमारी कौन सी हो गई? ये कोऑर्डिनेट हो गई। कौन सी हो गई? ये कोऑर्डिनेट हो गई। तो हमने बोला जिसके साथ में कोऑर्डिनेट होगी, मतलब जिससे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी उसके वो जो क्लोज होगा वो कैसा होगा? वो होगा कोऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज है फिर ये? ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। हमने कौन सा बोला? ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और उससे पहले वाला क्लोज कौन सा होगा? ये होगा हमारा मेन क्लोज, है ना। इसे या मेन क्लोज बोल दो या प्रिंसिपल क्लोज बोल दो, तो ये प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज है। और जो बाद वाला है, मतलब जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद वाला है, वो हमारा कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट होगा। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लोज, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो हमने बोला यहां पर विल सेल है क्या? यहां पर भी हम विल सेल चेंज कर लेते हैं? हमने कहा बिल्कुल नहीं। ये हमने यहां पढ़ा था अगर मेन क्लोज हमारी विल सेल, मतलब फ्यूचर में होगी, विल सेल के फ्यूचर में होगी, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लोज में हम विल सेल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसे नहीं हटाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे फॉर एंड नॉट बट और येट सो के जगह अर कुछ और होता तो हम हटा देते, अभी ये सही है। तो इसका मतलब क्या है? दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद करेंगे, बट आई शैल हेल्प हिम, मैं उनकी मदद करूंगा। वे आपकी मदद करेंगे और मैं उनकी मदद करूंगा जिनकी आप, वो जो आपकी मदद कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारा ऐसे ही सही है, इसमें सेल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये हमारी जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में विल सेल आ सकते हैं लेकिन सबऑर्डिनेट के साथ में नहीं आएगा, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, नीचे वाला क्या है? ये विल क्या है? ये हमारा मेन वर्ब कौन सी है? ये रही हमारी मेन वर्ब। कौन सी मेन वर्ब है? ये रही टेल, हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ दूसरी मेन वर्ब कोई सी दिख रही है? ठीक है, ही विल नेवर टेल लाइज टू अस, ठीक है, वे हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। हमने बोला यहां तो और कोई वर्ब है नहीं, ठीक है, तो कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। विल क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। नेवर क्या हो गया? हमारा ये नेगेशन हो गया, एडवर्ब होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? लाइज क्या हो गया? ही विल नेवर टेल्स व्हाट, ठीक है, ये क्या नहीं बोलेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे। व्हाट का रिप्लाई आएगा? टू अस। किसे? हुम टू अस, ठीक है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, किसे? हमें नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही सही हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, ठीक है, हमने बोला ये जो है हमारा, पहले यहां देखिए यहां पर कौन सी वर्ब
वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये वर्ब वन हो गई, मेन वर्ब वन हो गई, ठीक है, एम वन लिख देता हूँ या एम वी वन लिखता हूँ, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, ही विल रिटर्न, इसके बाद में जो आ रहा होगा वही तो वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब कौन सी होगी हमारी, ये होगी मेन वर्ब टू, ठीक है। दो मेन वर्ब हुई तो एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती, क्या इन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन है, नहीं, तो कंजंक्शन कहाँ है, यहाँ आ जाओ, यही कंजंक्शन है, आफ्टर बिफोर ये सब भी होती है कंजंक्शन होती, मैंने बताया था बस फोर एंड नोर बट और येट सोर को छोड़ के जितनी भी होती है जो दो क्लोजों को जोड़ रहे थे, दो पहला क्लोज ये रहा, दूसरा क्लोज ये रहा, क्योंकि मेन वर्ब दो है तो दो क्लोज हो गए, दो क्लोज जोड़ने के लिए हमारी कंजंक्शन की जरूरत होती है, तो ये है हमारी कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन लिख देता हूं मैं इसे, ठीक है। उसके बाद में आप ये बताओ कौन सी कंजंक्शन है, ये हमारी भैया सबोर्डिनेट कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, हमने बोला ये फन बॉयज में नहीं आ रही, तो ये क्या है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कौन सी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कैसे, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं सबोर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि फैन बॉयज नहीं आ रही, फोर एंड नोर बट और येट सो इसमें नहीं आ रही, तो हमने बोला ये अगर इसमें आ रही होती तो कोऑर्डिनेट होती, अब ये क्या है हमारी सबोर्डिनेट है, अगर ये सबोर्डिनेट कंजंक्शन है ये तो ये वाला जो इसके बाद वाला जो क्लोज आ रहा होगा वो कौन सा होगा, सबोर्डिनेट क्लोज होगा, कौन सा होगा, ये हमारा सबोर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक है। और जो पहले आ रहा होगा, मतलब देखो अब मैंने बोला था ना कि भाई कहीं भी आ सकता है मेन क्लोज, आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, लेकिन पहचाने कैसे भैया, अगर कोई कंजंक्शन होगी उसके बाद में जो भी आ रहा होगा वो कोऑर्डिनेट या सबोर्डिनेट क्लोज होगा, और जो और अलग आ रहा होगा वो क्या होगा, मेन क्लोज होगा, तो हमारा यहाँ क्या है, ये मेन क्लोज है, ठीक है। अब ये देखिए मेन क्लोज क्या, विल या सेल लग रहा है, हमें मेन क्लोज में देखना है विल या सेल, ठीक है। हमने बोला ही विल रिटर्न होम, हाँ इसमें जो है विल या सेल लग रहा है, ठीक है, मेन क्लोज में ही विल रिटर्न होम, वह घर आएगा, कब आएगा, आफ्टर द सन विल सेट, ठीक है, क्या होगा, आफ्टर का मतलब क्या होता है, पहले या बाद में होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो बोला ही विल रिटर्न होम, वह घर आएगा, कब, सूरज छुपने के बाद में, ठीक है, जब सूरज छिप जाएगा ना उसके बाद वो है घर आएगा, ठीक है। तो हमने बोला ये मेन क्लोज तो हमारी फ्यूचर में लग सकती है, विल या सेल लग सकता है मेन क्लोज के साथ में, लेकिन अगर ये सबोर्डिनेट क्लोज है तो इसके साथ में विल या सेल नहीं लगेगा, तो हमारा क्या होगा, यहां कट जाएगा विल या सेल, ठीक है। अब देखिए द सनसेट सही है, हमने बोला बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि सन जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो यहां लाएंगे सेट्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ही विल रिटर्न होम आफ्टर द सन सेट्स, बात समझ में आई नहीं, ठीक है। अब तो नीचे वाले पे आ जाइए, ठीक है, नीचे वाला क्या है, हमने बोला विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नोट हमारा एडवर्ब नेगेशन है, मतलब नोट आ रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब कौन सी है हमारी, ये रही मेन वर्ब, ये वन हो गई, ठीक है। इसमें कहाँ है मेन वर्ब, सेल के साथ में क्या आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब टू हो गई, ठीक है। कैसे हमारा कैंसिल करना एक काम होता है तो मेन वर्ब हो गई, एग्री करना एक काम होता है तो ये मेन वर्ब हो गई, और आपको पता मोडल के बाद में तो हमारी क्या लगती है, मेन वर्ब भी लगती है, मोडल के बाद में हमारी क्या लगती है, मेन वर्ब लगती है, ठीक है। दो मेन वर्ब आ रही है तो दो क्लोज होंगी, दो क्लोज होंगी तो एक कंजंक्शन जरूरी चाहिए, कंजंक्शन का आएगी हमारी ये रही, बात समझ में आई, ठीक है। अब ये कंजंक्शन कैसी है, सबोर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है, हमने बोला ये है हमारी सबोर्डिनेट, क्यों, क्योंकि ये फैन बॉयज में नहीं आ रही है, ठीक है, ये कौन सी नहीं आ रही है, फैन बॉयज में नहीं आ रही, तो सबोर्डिनेट होगी, अगर ये हमारी सबोर्डिनेट है तो हमने बोला ये जो हमारी क्लोज होगी ये कौन सी होगी, ये होगी हमारी सबोर्डिनेट क्लोज, कौन सी क्लोज होगी, ये हमारी सबोर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। अगर ये हमारी सबोर्डिनेट क्लोज है तो इससे पहले वाली कौन सी होगी, ये होगी हमारी मेन क्लोज, कौन सी है हमारी मेन क्लोज है, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर ये हमारी सबोर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज है, तो मुझे बताओ मेन क्लोज हमारी किस में आ रही है, विल या सेल में आ रही है, फ्यूचर में आ रही है, ठीक है। तो सबोर्डिनेट क्लोज हमारी विल या सेल में नहीं आएगी, ठीक है, तो हम कहते हैं इसे काट दिया हमने, ठीक है। अब ये नोट जो है क्या वो अकेला आ सकता है, हमने बोला बिल्कुल नहीं आ सकता है, या तो डू नोट आएगा या डज नोट आएगा या डिड नोट आएगा, ये कभी अकेला नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है ना इनको, देखो इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया था हमने, इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है, ठीक है। तो हमने बोला डू डज या डिड आ सकता है, अब डिड तो हमारा प्रेजेंट में नहीं होता है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो बच्चा क्या हमारा डू या डज लगा, ठीक है। अब ही के साथ में बताओ डू आएगा या डज आएगा, हमने बोला ही के साथ में ऐसे ही आता है तो डज आएगा, ठीक है। तो हमने बोला इफ ही डज नॉट एग्री वी शैल कैंसिल द टूर, तो हम क्या कर देंगे टूर को कैंसिल कर देंगे, कब, यदि वो एग्री नहीं हुए सॉरी तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे इंडेफिनेट लगा दिया विल सेल काट के, क्यों, क्योंकि ये सबोर्डिनेट क्लोज आ रही है, मेन क्लोज में विल या सेल लग रहा था तो सबोर्डिनेट क्लोज में विल या सेल नहीं लगेगा, ठीक है। इसे हम वैसे भी रटवा सकते थे, हम सीधा बोलते कि यदि हमारा इफ के साथ में क्या बोलते हैं, इफ आफ्टर बिफोर, ठीक है, इन सब के साथ में विल या सेल नहीं लगेगा, कब, ये जब मेन क्लोज में हमारा विल या सेल लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी समझाना था इसलिए हमने आपको ढंग से समझाया ताकि आपका बेसिक से सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड योर
ऑल लेक्चर्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्क्रैच से कराई ये चीज़, बिल्कुल बेसिक से करी है, ठीक है। अब हम ये तो फ्यूचर की देख लिया, हमने किसकी देख ली, फ्यूचर की। यदि मेन क्लोज हमारा फ्यूचर में होगा तो सबॉर्डिनेट क्लोज होगा या कोऑर्डिनेट क्लोज होगा तो क्या अंतर पड़ेगा? कोऑर्डिनेट क्लोज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो विल सेल के साथ लिखी आएगी, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लोज में क्या होगा, विल सेल हमारा कट जाएगा, लेकिन दिखाएगा ये अब भी फ्यूचर ही, लेकिन ये पड़ जाएगा इंडेफिनेट से दिखाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम देखेंगे यदि हमारा मेन क्लोज पास्ट में होगा तो वो कैसे दिखाएगा।